محمد وآل محمد صلوات صل على حضرت گرامی اس رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ جو کہ ہمارے نصیب میں خدا نے عطا کیا اس حوالے سے پیام وحی کے جو پروگرامات ہیں انشاءاللہ جو کہ یکم رمضان تا 11 رمضان تک جو ان کا انعقاد کیا انجمن حسین فاطمہ مروادی کے پلیٹ فارم سے اس کو مزید آگے کرنے کے لیے بہار نزول قرآن کی آمد کے حوالے سے ہوں گے جو کہ 12 رمضان المبارک تھا 20 رمضان المبارک اسی ٹائم پہ اسی قومی مرکز میں ہوں گے جس کا عنوان ہوگا ان سے با قرآن ان سے با قرآن جس سے قبلہ مولانا علامہ راجہ مصطفیٰ حیدر صاحب نے خطاب فرمائیے آپ تمام خواتین و حضرات سے 12 رمضان سے لے کے 20 رمضان تک پرزور شرکت کی استدعا ہے محمد وآل محمد صلوات صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی الانبیاء والمرسلین حبیب قلوب العالمین ابی القاسم محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین لا سیما اللہ یوسف و اخوته آیات للسائلین صدق اللہ و صدر محمد
खुदावंद तबारक व तआला का शुक्र है कि परवरदिगार ने एक दिन आप लोगों की खिदमत में रबी है कुरान में सके दुआ करें कि परवरदिगार हमारी जबान से वो सादिर हो कि जिसमें उसकी रजा और खुशनुदी है। परवरदिगार से दुआ करते हैं कि खुदावंद आलम हमारा यहाँ पर जमा होना, हमारा यहाँ पर इकट्ठा होना अपनी बारगाह में इबादत शुमार फरमाए। और खुदावंद आलम से दुआ करते हैं कि परवरदिगार कल्ब मुतहर इमाम ज़माना को हमसे राज़ी और खुशनुमा फरमाए। एक दफ़ा अपनी कबूलियात के लिए, कबूलियात इबादत के लिए बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़े मुहम्मद वाले मुहम्मद। आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि खुदावंद आलम के कुछ कवानीन हैं कि जो इस कायनात में हाकिम हैं, खुदावंद आलम के कुछ ऐसे लॉज हैं कि जिसके ऊपर ये पूरी कायनात चल रही है, उनसे एक कानून इतला का है। उसके ज़ैल में आपकी खिदमत में दो कानून दिए कि पहला कानून सूरह अनकबूत की दूसरी आयत पर दिखा फरमाता है अहसिबन्नास अयुतरकु अयकुलु आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, कि क्या आया इंसान ये गुमान करता है कि उसे इतना कहने पे छोड़ दिया जाएगा कि मैं ईमान ले आया और उसको आजमाया नहीं जाएगा। बस पता ये चला कि हर एक इंसान की आजमाइश है। बहुत सारे सवाल इसी पर मौसूल हुए कि ज़रूरी है कि हर एक इंसान इस कायनात में आजमाया जाए। हाँ, हर इंसान की जो भी इस कायनात में आया है, जो भी इस दुनिया में आया है, उसने आजमाइश से गुजरना है। लेकिन उसकी आजमाइश किस तरह की होगी ये उसके मुहीत बताएगा, ये उसका एटमॉस्फेयर बताएगा, ये उसका किरदार बताएगा, ये उसका अमल बताएगा कि उसको खुदावंद आलम ने आजमाना कैसे है, किस तरह से खुदावंद आलम उसको आजमाएगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की आपकी खिदमत में मिसाल पेश की कि परवरदिगार ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत से मकामात पर आजमाया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने भाइयों से अपनी ज़बान में अगर कहूँ तो पिटवाया के भाइयों ने उनके ऊपर हमला किया, ऑप्शंस रखी कि भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दो या उनको किसी सहरा में छोड़ दो, वो भटक इस दुनिया से। मेरी तरफ तवज्जो रखिए, एक दफ़ा दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये सारी चीज़ें हज़रत यूसुफ ये सारी आजमाइशों से गुजरे हैं, इन तमाम आजमाइशों से गुजरे। उसके बाद वो कहाँ पर कुएं के अंदर मौजूद रहे, उसके बाद किस तरह से खुदावंद आलम ने उनको खरीदवाया या वो खरीदे गए, और उसके बाद वो मिस्र उनका जाना, मिस्र जाने के बाद अजीज़ मिस्र का उनको महंगे दामों खरीद लेना, महंगे दामों खरीद के घर लाना अपनी जौजा जुलेखा के, जिसको खुदावंद आलम ने औलाद नहीं दी। और ये दूसरा मौका है अंदर इसको जिक्र, मौका था कि जहाँ पर आसिया बिनत मुज़ाहिम के पास भी औलाद नहीं थी, तो जब उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो कहा कि मेरी आंखें ठंडी हो गई इनको देखकर कि परवरदिगार ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को किसके हवाले किया, हज़रत आसिया के हवाले किए। और इसी तरह से दूसरा मौरद के जहां पर ये जुलेखा हैं और जुलेखा के पास भी औलाद नहीं है, अज़ीज़ मिस्र की औलाद नहीं है, जैसे ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहुँचे, जिनकी रिवायात के अंदर जब सिन बताया गया है तो वो 7 साल या 9 साल का है, यानी 9 साल का सिन है कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाजार में खरीदा गया, घर लेके गए, आजमाइश पे आजमाइश आती चली गई। किसी ने कहा कि देखो तुमने बुतों की इस तरह से परस्तिश करनी है, कहा नहीं करूंगा नहीं करूंगा, ज़ेरे एताब आ गया। यहाँ तक कि जब जवान हुए तो किस तरह से उस मकरे के शिकार बने या निशाना बने, उसके बाद सिजन गए, उसके बाद जिंदान में रहे। ये सारी की सारी जो आजमाइश हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तमाम जिंदगी को शामिल है। आप किसी भी नबी को उठा लीजिए, किसी भी वली को उठा लीजिए, किसी भी वसी को उठा लीजिए, किसी भी शख्स को उठा लीजिए, कोई भी एक इंसान इस दुनिया में आजमाइश के बगैर नहीं है। तमाम को खुदावंद आलम ने आजमाइश के अंदर मुब्तला किया और उसके बाद उसको दर्जे अता किए, उसको मराते बता किए, और खुदावंद आलम किस तरह से मरतबा बढ़ाता चला गया।
ये पहला कानून احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون کہ کیا آیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کو یہ کہنے پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا ان کو کسی فتنے میں ڈالا نہیں جائے گا یہ پہلا قانون دوسرا قانون کیا کہتا ہے دوسرا قانون پروردگار قرآن کے اندر ذکر کرتا ہے متعدد مقامات پہ ایک سورہ مومنون کی 62ویں آیت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جہاں خداوند تعالی فرماتا ہے ولا نکلف نفسا الا وسعها ہم کسی بھی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ اذیت دیتے اس کو تکلیف نہیں دیتے ذمہ داری نہیں دیتے ایسا نہیں ہے کہ پروردگار کے اندر اس چیز کی صلاحیت نہ رکھا ہو نہ رکھی ہو کہ وہ 20 کلو سے زیادہ نہیں اٹھا سکتا اور کہے 20 کلو اٹھاؤ رکوع کرنے کی صلاحیت کیوں پروردگار آزمانا چاہتا ہے نہ آزمائے کیا ہے خداوند عالم کی مشیت خداوند عالم کی مشیت میں ایک ایسی مخلوق کو خلق توجہ سے سنیے آج انشاءاللہ تعالی کوشش کا مطلب آپ لوگوں کو پیش کریں ایک دفعہ بلند آواز سے خداوند عالم کیوں چاہتا ہے پروردگار نے دنیا کو اچھا خلق کیا ہے خداوند نے دنیا ہمارے لیے خلق کیا ہے پروردگار یہ نہیں چاہتا کہ انسان دنیا سے استفادہ نہ کرے دنیا سے استفادہ کرے لیکن پروردگار یہ چاہتا ہے دنیا سے محبت نہ کرو تم نے محبت کرنی ہے مجھ سے کرو دیکھو یہ دنیا اس قابل نہیں ہے کہ محبت کرو یہ انسان اس قابل نہیں ہے کہ محبت کرو یہ سب اس قابل نہیں میں اس قابل ہوں کہ مجھ سے محبت کرو کہ جس نے یہ سب کچھ تمہارے حوالے کر دیا میں محبوب ہوں میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہاری محبت چاہتا ہوں انسان اس لیے پریشان ہوا چونکہ اس نے اپنے آپ کو اس مادی دنیا کے اندر گرفتار کر دی اتنا گرفتار کہ یہی دنیا ہے یہی میرا جنا ہے یہیں پر میرے لیے نعمتیں ہیں یہیں پر میرے لیے سعادتیں ہیں کہہ رہا ہے یہاں پر تمہارے لیے تمام دائمی سعادتیں نہیں ہیں دیکھو اگر تمہیں تمام دائمی چاہیے ہیں تو وہ میرے کرنا نہیں اس وجہ سے خود کو گرفتار کرنا شروع کر دیا روزے جزا اور سزا سے غافل ہو گیا انسان جب کسی کو دھوکہ دیتا ہے اگر اس کو پتا ہو کہ کوئی ایک ہے کہ جو مجھ سے دوبارہ سے میری پکڑ کرے گا اور مجھ سے پوچھے گا وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے گا چونکہ غافل ہوتا ہے اس وجہ سے کسی کو دھوکہ دیتا ہے کسی سے جھوٹ بولتا ہے کسی سے حسد کرتا ہے کسی سے بغض رکھتا ہے کینہ رکھتا ہے اس لیے قطع رحمی کرتا ہے وہ کہتا ہے میں اپنے بھائی سے نہیں ملوں گا وہ کہتا ہے میں اپنی بہن سے نہیں ملوں گا وہ کہتا ہے میں اپنے چچا سے نہیں ملوں گا وہ کہتا ہے اپنے بھتیجے سے نہیں ملوں گا اپنے بھانجے سے نہیں ملوں گا اپنے ماموں سے نہیں ملوں گا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے ملنے میں کہیں پر مجھے کوئی نقصان میرے سے کچھ مانگ نہ لے اس سے قطع تعلق ہی کرنا شروع کرتا خداوند عالم کہتا ہے یہ جو تم نے قطع کیا ہے یہ جو تم نے صلہ رحم نہیں کیا میں تمہاری عمر کو کم کر دوں گا میں نے جو تمہارا سن رکھا تھا تمہارے سن کرنا شروع کر دوں گا میں جو اس کائنات ہونے لگا یہ نماز کی وجہ سے پڑا اور اس چیز کی طرف دنیا سے محبت آخرت سے یہ دو وجہ ہیں کہ جس کی وجہ سے اس دنیا کے اندر انسان گرفتار ہوتا ہے دنیا محبت دنیا سے محبت اور آخرت سے غفلت اور یہ دو ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کے لیے لازم اور ملزوم ہے ان سے انسان چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا نہ اس دنیا سے اور نہ ہی آخرت سے جہاں پر آخرت سے غافل ہوا وہاں پر غیب سے منقطع ہوا اور وہاں پر اپنے آپ کو پریشان کرنا شروع کر دیا پروردگار نے یہ جو ابتلا ہے یہ خداوند عالم کی طرف سے انسان کی آزمائش عذاب ہے مصیبت ہے اس کا ایک کرائٹیریا ہے اس کی ایک کسوٹی ہے اور وہ کسوٹی یہ ہے کہ ہر وہ مشکل بھی جو انسان کو نتیجے میں خداوند عالم کے قریب کر دے سمجھ لیں یہ آزمائش تھی اور ہر وہ مشکل کے جو نتیجے میں خداوند عالم سے انسان کو دور کر سمجھ لیں کہ خداوند عالم آپ غور کر لیجئے کہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر جس طرح سے کربلا کے اندر مسائل ہیں اور ان کی بات
सारे चेहरे का नूर बढ़ गया। चेहरे का नूर बढ़ना है, पता चल रहा है कि खुदावंद आलम ने आजमाइश में डाला था और हजरत हुर आजमाइश से कामयाब होकर निकला है। यह चेहरे का नूर बढ़ना बताता है कि हजरत हुर अलैहिस्सलाम एक ऐसी आजमाइश में थे कि जब खुद भी शहादत जाम शहादत नोश करते हैं तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लाश हुर के आगे कहते हैं कि ए हुर, तेरी माँ ने तेरा नाम सही हुर रखा था, अंता हुर्रुन फिर दुनिया वाला आखिर। ए हुर, न सिर्फ इस दुनिया में बल्कि तो इस दुनिया में भी और आखिरत के अंदर भी हुर है, तू आजाद है। किस तरह से खुदावंद आलम ने आजमाया, किस तरह से हजरत हुर अलैहिस्सलाम खुदावंद आलम के करीब हुए, पता चला कि यह आजमाइश थी जिसके नतीजे में परवरदिगार ने हजरत हुर अलैहिस्सलाम को अपने करीब कर लिया। और कितना करीब किया कि जहां पर हुसैन अलैहिस्सलाम का खून बहना है वहां पर हजरत हुर अलैहिस्सलाम अपना खून बहाते हैं। जिस खाक ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून से खाक के शिफा बनना है वहीं पर हजरत हुर अलैहिस्सलाम की खाक भी हो। खुदावंद आलम ने इतनी आजमाइश में कबूलियत को मर्तबा अता किया कि ये शाह इस्माइल सफवी कि जब वहां पर करबला के अंदर जरियों को बनाने का सारा प्रोजेक्ट वगैरह शुरू करते हैं, हजरत हुर अलैहिस्सलाम की जब को खुदवाया जाता है कि वहां से उनकी कब्र दूसरी जगह पर मुंतकिल की जा सके, जैसे खुदवाता है तो वह रुमाले जहरा पेशानी पे बंदा दिखाई देता है। शाह इस्माइल सफवी कहता है कि हजरत हुर, बताया गया कि हजरत हुर का लाशा तो बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी दफनाया हो। कहा वो जो रिवायात में मिलता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रुमाले जहरा हुर की पेशानी पर बांधा था वो अभी तक मौजूद है। शाह इस्माइल सफवी कहे कि देखो उस रुमाल को उतार लाओ, मैं अपनी कब्र में शिफात के लिए रखना चाहूंगा। जैसे हजरत हुर के पेशानी से उस रुमाल को उतारा गया, खून वैसे ही जारी हुआ जैसे अभी शहीद हुआ। बस पता ये चला कि हजरत हुर अलैहिस्सलाम जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करीब होते हैं, खुदावंद आलम आजमाता है, आजमाइश में इतनी कामयाबी परवरदिगार अता करता है कि कई सौ साल के बाद भी अगर माथे से रुमाल उतारा जाए परवरदिगार को गवारा ना हो कि ये रुमाल जहरा किसी और की कब्र में जाए। पता ये चला इस तरह से इंसान ने आपको आमादा करना है तमाम चीजों के लिए। दुनिया से मोहब्बत इंसान बहुत सारी मुशाकिल के अंदर गिरफ्तार करती है, लेकिन जब इंसान निकल आता है मुश्किल से परवरदिगार अता करना शुरू। यूसुफ अलैहिस्सलाम इतनी ज्यादा आजमाइश के बाद जब निकले हैं कि तोहमत लगाई गई कि अजीज़े मिस्र की ज़ौजा के करीब चाहते थे, जब इतनी ज्यादा आजमाइश आई गई कि कितने साल जिंदान में रहना पड़ा, कितने साल मुश्किल के अंदर रहना पड़ा, उसके बावजूद इस आजमाइश में कामयाब होते हैं तो परवरदिगार क्या फरमाता है? खुदावंद आलम फरमाता है कि हमने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तावीर अलहदीस, देखो हम लोगों ने ख्वाब की ताबीर नहीं बयान करना सिखाई है बल्कि तावील करना सिखाई। मैं तफसीर में गया और जाके देखा कि ताबीर के अंदर फर्क क्या है तावील और ताबीर में। वो कहते हैं कि अगर ख्वाब मफहूम को बयान किया तो इसको ताबीर कहते हैं, लेकिन अगर ख्वाब की हकीकत को बयान किया जाए तो इसको तावील कहते हैं। कामयाब हो जाता ताकि के कहा कि अभी आप ख्वाब की ताबीर नहीं बल्कि तावील बताएं। जो आप जबान से निकालते चले जाएंगे खुदावंद आलम लोहे महफूज पे लिखता है। या इसको उल्टा कर दूं कि जो लोहे महफूज पे लिखा होगा खुदावंद आलम आपकी जबान। किस तरह से परवरदिगार ने अता करना शुरू किया, इसी तरह से परवरदिगार कहता है कि हमने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस जमीन का वारिस बना दिया, तमकीन अता कर दी, इस जमीन की कंट्रोल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता कर दिया। किस तरह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये सारा इस जमीन के अंदर हुकूमत इस्लामी बपा की कि जिसके नतीजे में हर जी हक को उसका हक मिलना शुरू हो गया। अजीजो कंट्रोल खुदाबंद आलम ने इस सरजमीन पे इमाम नहीं बढ़ के जहां पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मदद थे खुदावंद अपने नफ्स की कैद में हूं, मैं इस खुब दुनिया की कैद में हूं, इस दुनिया की रानाइयों की कैद में हूं, मैं इस दुनिया की तमाम जो जीनतें हैं उसकी कैद में हूं, मैं अपने आप को इस कैद से आजाद करके अपने जमाने के इमाम पद तक पहुंचना चाहता हूं। Oh,
محمد وآل محمد के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, तवज्जो से सुनिएगा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बैठ गया, आप लोग अभी तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। एक दफा फिर भी बुलंद आवाज से दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। मैं कैसे अपने आप को आजाद करूं? मैं चाहता हूं अपने आप को अपने नफ्स की कैद से, अपने बदन की कैद से आजाद कर दूं। कैसे आजाद करूं? मैं तब तक आजाद नहीं कर सकता जब तक कि अपने आप को पहचान न लूं। मैं कौन है? मैं अपने आप को पहचान जाऊंगा, बाद में अपनी इस कैद को पहचान जाऊंगा, चीजें आसान। मैं कौन हूं? मैं बदन हूं। अगर मैं खुद अपनी तरफ ही मुतवज्जे हूं तो इस चीज की तरफ तवज्जो कर सकता हूं कि मैं मेरा नहीं हूं। जब मैं कहता हूं क्या है तो कहता हूं ये मेरा हाथ है, ये क्या है, ये मेरा चेहरा है, नहीं हूं। वो कहते हैं ये मेरा नाक है, ये मेरी जबान है, ये मेरा सब कुछ है, लेकिन मैं कौन हूं? मैं अपने आप को नहीं जानूंगा किस तरह से किसी चीज से आजाद होऊंगा। मैं जिसको मैं कह रहा हूं, आप गौर करिए कि जब इंसान का इंतकाल होता है ये नहीं कहा जाता ये कहा जाता है ये उसकी मैयत है, वो कि जिसकी ये मैयत है। बस इसका मतलब ये ठहरा कि वो और है, मैयत और है। ये मेरा हाथ है, मैं नहीं हूं। ये मेरा चेहरा है, मैं नहीं हूं। ये मेरी आंखें हैं, ये मैं नहीं हूं। ये उसकी मैयत है, ये मैं नहीं हूं। मैं कौन हूं? जब मैं अपने आप को पहचान लूंगा, अपने की पहचान के साथ ही मैं इमाम जमाना तक पहुंच सकता हूं। क्योंकि मैंने इमाम जमाना तक पहुंचना है, मेरे बदन पहुंचे या ना पहुंचे। आप गौर करिए, हजरत वैसे करनी का बदन ओहद में नहीं पहुंच सका, लेकिन रसूल खुदा ने उनके वजूद को ऐसा हिस किया है कि कहते हैं कि मुझे अपने एक सहाबी की खुशबू आ रही। हजरत मालिक अश्तर का बदन 10वीं हिजरी तक मदीने नहीं पहुंचा, लेकिन वहां पर ऐसा अमल हजरत मालिक अश्तर ने कि और अपने वली के दोस्त की खुशबू आ रही। इसका मतलब ये ठहरा कि अगर अपने बदन की कैद में बाकी रहूंगा, परेशान रहूंगा, मैं अगर अपने आप को समझ जाऊंगा तो चीजें मेरे लिए वाजे हो जाएंगी। मैं चाहता हूं अपने आप को समझूं। जब मैं अपने आप को समझना चाहता हूं कि मैं कौन हूं, ये तीन तबके बनाते हैं। कहते हैं सबसे पहला तबका तबका मादी है कि जिसके अंदर मैं अपनी आंखों के जरिए से इस पूरी कायनात और कुछ नहीं है। दफा वाक्य सुनाया था आयतुल्ला बहलोल का, मैं खुद एक ऐसे उनसे मिला हजारा क्वेटा के, मुझे बताया गया कि आयतुल्ला बहलोल इनके घर पे आए। तो मैंने उनसे जाके पूछा कि ये जो आयतुल्ला बहलोल आपके घर पे आए, कोई आपने उनको वीजे की दावत दी, कोई पासपोर्ट देखा, कुछ कहा? कहते हैं कि नहीं, बस मैं बैठा हूँ, मेरे घर के बाहर दस्तक हुई, दरवाजे पे दस्तक हुई, मैंने दरवाजा खोला तो सामने आयतुल्ला बहलोल थे। ना किसी ने दावत दी, ना किसी ने वीजा लगाया, ना कोई पासपोर्ट, ना कुछ, ना काज। कदम बढ़ाया और कदम जब है तो जहां का इंसान इरादा करता है वहां पर खुदावंदियां ले जाता है। इरादा की जुबान में इसको तय्यूल अर्ज कहते हैं, जहां पर खुदावंद इंसान जमीन को तय कर देता है, लपेट देता है जहां पर अगला कदम उसका। इसीलिए तो कहा कि जब जमाने की हुज्जत जब काबा में आकर ऐलान करेंगे, मैं वही इंतजार कर रहा था, तो जो भी उन ये सदा सुनने के बाद कदम बढ़ाएगी अगला कदमों में होगा। मतलब ये ठहरा कि मेरा बदन की कैद में है, लेकिन
सकता हूँ। आप गौर करिए कि वो जो इस चीज़ पर शक करते हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम को 27 इफ्तारी की दावत आए, ये तो इमाम के गुलाम हैं जिनके लिए ज़मीन तय हो रही है, वो जो कि इमाम कायनात हो, वो जो कि मौला कायनात हो, उसके लिए क्या मुश्किल। अगले दिन सब उठकर कहें अली मेरे घर मेहमान थे, अगले दिन सब कहें अली मेरे घर मेहमान थे, 27 लोग कहें अली मेरे घर मेहमान थे, इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास जाएं कि मौला आप बताएं आप किसके घर मेहमान थे, कहा मैंने तो अब इफ्तार किया है। और उस मकाम पर तमाम जगहों पर अलैहिस्सलाम का वजूद, इसका मतलब ये ठहरा अजीज़ो, इसका मतलब ये ठहरा कि मैं ये बदन नहीं है, मैं ये बदन नहीं, बस ये मेरा एक मर्तबा है जिसको खुदाबंद आलम ने इस दुनिया के लिए रखा। ये बदन मादी इस दुनिया में कि जो लंबाई चौड़ाई गहराई वक्त तमाम इस वजह से यहाँ हूँ, कहीं और नहीं हूँ, अपनी बदन की कैद में हूँ। मैं जैसे ही अपनी बदन की कैद से आज़ाद होऊंगा साथ ही मुमकिन इस मकाम पर पहुँचूँ। अच्छा, उसको किस तरह से इंसान तसव्वुर कर सकता है? ये जहाँ पर हम लोग आलम में तबीयत की बात करते हैं ना, आलम मादा की बात करते हैं, ये हम लोगों को इस दुनिया रिलेट करता है। लेकिन एक हमारे पास एक और तबका है इंसान का कि जहां पर हमें आखिरत से वो मुतसिल करता है, उसको कहते हैं आलम मिसाल। तवज्जो से सुनिएगा, इंशाल्लाह ताला मुकदमा बनाऊंगा ताकि हम लोग जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब है ना उससे कैफ हासिल कर सकें। एक है आलम मिसाल। आलम मिसाल यानी गैर मादी अशिया का आलम, जहां पर अशिया मादी नहीं है, इसकी खसूसियात दुनिया जैसी है, दुनिया की तरह वहाँ रंग है, दुनिया की तरह वहाँ लंबाई है, दुनिया की तरह वहाँ पर तमाम चीज़ें हैं, दुनिया की तरह देखना है, दुनिया की तरह सब कुछ है, लेकिन मादी नहीं है, मटेरियल नहीं है, मैं कुछ छू नहीं सकता, मैं बहुत सारे और काम नहीं कर सकता, मुमकिन खा ना सकता हूँ। इसके लिए जो आलम है मिसाल के लिए वो ख्वाब है। अंबिया के पास कुछ और आकर कहा कि ये जो भी आप कह रहे हैं आखिरत है आखिरत है आखिरत है, और आप मुसलसल कहते चले जा रहे हैं आखिरत है, हम लोग आखिरत को विजुलाइज किस तरह से करें, किस तरह से समझें कि आखिरत, समझ नहीं पा रहे कि आखिरत करूं। तो जब अल्लाह ताला का तो अल्लाह ने ख्वाब बता किया, तब इंसान ने पहली ख्वाब देखना किया। जब पहली आप देखना शुरू किया, फिर उसी नबी के पास आए लोग और आकर कहा कि आज रात को हम जब सोए हैं तो हमने सोने के दौरान ये ख्वाब देखा है। उन्होंने कहा कि इस ख्वाब की वजह हो गए, इस ख्वाब की वजह से हम लोग बहुत ज्यादा गम हो गए। आलम है कि जो इंसान के ना ऊपर है ना नीचे है, ना दाएं है ना बाएं है, ना आगे है ना पीछे है, एक ऐसा हकीकी आलम है कि जो इंसान को ये बताता है कि देखो जिस दुनिया में तुम रह रहे हो ये, बल्कि आलम है कि जिसकी तरफ तुम्हें मुंतकिल किया जाएगा और वहां पर तुम इन तमाम जमान और मकान और इन तमाम चीजों की कैद से निकल कर जिस चीज का इरादा करोगे खुदाबंद आलम वो तुम्हें करने लगेगा। उसने कहा अच्छा क्या करें, मिसाल के तौर पे आपको बताता हूँ। वो कहते हैं कि 40 दिन तक अगर कोई ज़ियारत आशूरा की तिलावत करे तो उसको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत होती है। हो सकता है कि इमाम हुसैन की ज़ियारत ना हो, लेकिन उसको ज़ियारत किस तरह से होगी इस आलम में नहीं, मुमकिन है कि आलम रोया में हो, आलम मिसाल में हो कि जहां पर बहुत सारी चीजें अपनी हकीकत के साथ वजूद रखती हैं, यहां पर बहुत सारी चीजें हमारे से पोशीदा हैं लेकिन वहां पर बहुत सारी चीजें ज्यादा। अब गौर डरता है, जब डरता है तो उसका बदन भी मुमकिन है कि पसीना आ गया हो बहुत ज्यादा जोर झटका, यानी हम में से कोई यहां पर ऐसा है कि जिसने ख्वाब देखा हो, यानी रहे हैं खाए आपने ख्वाब कुछ और नहीं बल्कि कि जहां पर इंसान बहुत कुछ साल साथ है, साले शाम के सूद के थे अफगानिस्तान लबनान शामिल से पड़े हुए थे और
हम लोग वो किबला उनसे पढ़ रहे थे, तो उन्होंने जो शरह लिखी थी उसी हलके सालिसा, तो मैंने बहुत सारी और शरूहात, जारी बात है जब मैं पढ़ रहा हूँ हलके सालिसा तो बहुत और शरूहात का भी मुताला करता था, सैयद कमाल का मुताला करता था, शेख साद फयाज के देखता था, आयतुल्ला शाहरुदी की तकरीरात देखता था, और इस तरह से जो हमारे पास आयतुल्ला मुख्तलिफ और तकरीरात थी, तो मुझे सबसे अच्छी शरह अपने उस्ताद की लगती थी कि जो हमें पढ़ा रहे थे शेख अहमदी अलबासूदी। तो मैंने एक दफ़ा अपने जाकर उस्ताद से पूछा कि उस्ताद ये सारे शागिर्द हैं, यानी आयतुल्ला शाहरुदी शेख बाकर सदर के शागिर्द हैं, मिसाल शेख इसहाक फयाज आयतुल्ला बाकर सदर के शागिर्द हैं, ये बहुत सारे के जिन्होंने तकरीरात लिखी हैं उनकी शरहें लिखी हैं वो उनके शागिर्द हैं, लेकिन उन्होंने वैसी नहीं लिखी है कि जैसी आपने लिखी, क्या आया मैं दुरुस्त हूँ या नहीं, मुमकिन है कि आपने भी उन्हें से लिया हो लेकिन मतलब अपने तरीके से बयान किया जिसकी वजह से अच्छा लगता हो। मेरे उस्ताद ने मुझे कहा, शेख अहमद जब वो पढ़ा रहे थे मैंने ये सवाल उनसे किया, वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बताऊं कि हलका की यानी उस की किसी एक बहस में मैं फंस जाता था रात को इमाम माना से तवसुल करके, शहीद बाकर उस सदर मेरे ख्वाब में आते थे और वो मेरी बहस को बयान करते, यानी एक इतना आलम बारे में खुद रिवायात आ जाए, रिवायत में अब मैं हुई एक अंगूठी रनवार की रिवायत तरह से है कि जिस तरह से एक बहुत बड़े सहरा में एक छोटी सी बड़ी हो इस दुनिया की अल्लाह आलम ने इंसान को बहुत ज्यादा कंट्रोल दे दिया, बस पता ये चला कि आलम ख्वाब एक हकीकत है लेकिन उसकी कुछ सिफात है इस दुनिया में रहते हुए कि जिसकी वजह से हम लोग उस तमाम आगाह नहीं होते, हमारे लिए बहुत ज्यादा शफा हमारे लिए बहुत ज़्यादा अया नहीं होता। मुमकिन है कि रात को एक इंसान इस तरह से कोई ख्वाब देखे, और बल्कि इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा फिर इश्काल भी किया जाता है ना, वो इश्काल ये करते हैं कहते हैं कि मैंने जो ख्वाब देखा दरअसल मैं सोच रहा था जिसकी वजह से ख्वाब देखा ये वाला मेरे दबरा इसकी वजह से मैंने, इसी वजह से बहुत ज़्यादा शफाफ ये ख्वाब में इंसान महलों की नहीं करता, कहता नहीं है हल बहुत अच्छी गाड़ी नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि एक जाना और सब कुछ मेरे हाथ से है। मासूम कहते हैं ये दुनिया भी ऐसे ही है, यहां पर आके तुम बड़े बड़े महलों की तमन्ना कर रहे हो, यहां पर आके बड़ी बड़ी गाड़ियों की तमन्ना कर रहे हो, यहां पर आके बहुत आसूदा जिंदगी की तमन्ना कर रहे हो, जिस तरह से ख्वाब में तुम्हारी आंख खुली है ना इसी तरह से इस दुनिया आंख खुल जाएगी और तुम आलमुल आखिरा में होगे। बस पता ये चला कि जिस तरह से ख्वाब में इंसान तमन्ना नहीं करता बल्कि कोशिश को जो सआदत मिल रही है किसी तरह से हासिल कर ले, वो मिसाल के तौर पे करबला गया ख्वाब में, वो चाहता है कि मैं ज्यादा देर यहाँ रह जाऊं, इसकी सिर्फ तमन्ना होती है। मासूम कहते हैं कि देखो इस दुनिया में रहना चाहते हो, सआदत के साथ रहना चाहते हो, तो जिस तरह से तुमने आलम ख्वाब में ये तमन्ना की है दुनिया में भी ये तमन्ना, दुनिया से तो ऐसे ही एकदम उठो जिस तरह इंसान तमन्ना नहीं होता चूंकि उसको पता है मैं ख्वाब देखा, उसी तरह से है एक अंगूठी इतने बड़े सहरा के अंदर है, तो सोचिए कि आलम ख्वाब होगा, और अगर आलम ख्वाब में तमन्ना नहीं कर रहा तो इसका मतलब यह है कि इस दुनिया के अंदर अगर तमन्ना, इस दुनिया की सादतों की तरफ तवज्जो नहीं कर रहा। मैं बहुत सारे ख्वाब देखता हूं, कोई है कि जो आकर मेरे लिए ख्वाब की अक्सर, हमारे पास ख्वाब की चार अकसाम है, तवज्जो से सुनिएगा, इसलिए दो दिन ताकि ये बहस ही नहीं जाती है मेंबर से मालूम नहीं होती है, इस वजह से चाह के इन तमाम बहसों को थोड़ी सी दकीक हैं आप लोगों की खिदमत में इंशाल्लाह इस माह मुबारक रमज़ान की बरकत से मुंतकिल कर सकूँ। एक दफ़ा फिर भी दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, हम लोग इस्तेलाह में उसको कहते हैं मिसाल मुत्तसिल और मिसाल मुनफसिल, इरफान की जुबान है, इरफान की इस्तेलाह में मिसाल मुत्तसिल और मिसाल मुनफसिल दो इस्तेलाहें। कहते हैं ख्वाब की पहली किस्म, तवज्जो से सुनिएगा, ख्वाब की पहली किस्म वो है कि जहां पर इंसान अपने नफ्स के अंदर ही चक्कर लगाता, अपने नफ्स के चक्कर उसने जो सोचा होता है उसी को ख्वाब में देखता है, उसके जो तसव्वुरात होते हैं उसी को ख्वाब में देखता है।
वो जो डिस्कशन कर रहा होता है उसी को ख्वाब में देख रहा होता है। ये जो उसी को ख्वाब में देख रहा होता है, ये वो किस्म है ख्वाब की जिसकी कोई ताबीर नहीं, जिसकी कोई ताबीर नहीं। इसको कहते हैं मिसाल मुत्तसिल, मुत्तसिल अपने नफ्स के साथ मुत्तसिल है, और इस तरह से मुत्तसिल है कि वो अपने नफ्स और वजूद से जुदा नहीं है। वो तसव्वुरात के अंदर चक्कर लगाता है, वही अपनी सोच के अंदर चक्कर लगाता है, ताबीर नहीं। दूसरी जो ख्वाब की हालत है वो अपनी जात से बाहर निकलकर आलम वहां कुछ हकायक से आगाह होना शुरू होता है। किस तरह से, जैसे ही मैं सोया हूं ना, मेरे नफ्स ने मेरे बदन को तर्क किया और आलम मिसाल में गया और वहां पर जाके कुछ मुर्दों से मुलाकात की। वो कहते हैं कि फलां मेरे इस मिसाल के तौर पे मैयत है, फलां शख्स के जो इंतकाल कर गया उससे मेरी मुलाकात हुई, उससे मैंने बातचीत की। यही जो मैंने अपने उस्ताद की मिसाल दी कि वह शहीद बाकर सदर को ख्वाब में देखते थे, शहीद बाकर सदर तशरीफ लाते थे और उनके लिए उस बहस को पूरी तरह से बयान करते, पूरी तरह से बयान करते थे। इस ख्वाब की भी कोई ताबीर नहीं। अगर एक इंसान किसी मैय से जाकर मुलाकात करता है, अगर आलम के सफर को तय करता है, अगर एक इंसान जाकर उन तमाम उमूर को देखता है आलम मुनफसिल में, यानी वो जो हकीकतें हैं उनसे जाकर अपने नफ्स को मुत्तसिल करता है और वहां से कुछ हकायक को लेकर आता है, इस ख्वाब की भी कोई ताबीर नहीं। तीसरा ख्वाब भी मिसाल मुनफसिल की सैर करता है, इस तरह से कि वो कुछ हकीकतों को देखता है और हकीकतों को देखने के बाद दोबारा अपने इसी बदन में वापस आता है और वापस आने के बाद हकीकत का इस कायनात में मुशाहिदा करता है। किस तरह से, मैं ख्वाब में देखा कि खुदावंद आलम ने मेरे भाई को बेटा किया। जब खुदावंद आलम ने उसको बेटा अता किया, जब वो 20 साल हुआ तो यहां से चला गया पढ़ने। जब मैं ख्वाब से उठा हूं तो उस की शादी बेटा दिया, और जब बेटा 20 साल के बाद इस जगह को छोड़ के हौजा इल्मिया कुम चला गया। खुदावंद आलम ने कहां दिखाया? ख्वाब में दिखाया, सब ख्वाब में। खुदा किया कि देखो ऐसा होने वाला है, और कहते हैं कि यार इस शख्स से पहले मेरी मुलाकात, ये जो इस शख्स से पहले मुलाकात हुई है किस जगह पे हुई है, ये जो पहले कैसे देख रहा हूं। बस पता ये चला कि खुदा बंदे आलम ने एक आलम मिसाल में मुझे इस मिसाल मुनफसिल का दौरा कराया, और दौरा कराने के बाद जब मैं इस आलम मादा में वापस आया हूं तो उन तमाम हकीकतों को देखना शुरू करता हूं, वो मेरे लिए हकीकत होना शुरू होती। यहाँ पर एक जुमला कह दूं आप लोगों की तबीयतों को थोड़ा सा तब्दील करने के लिए, यार का शुक्र है कि आलम ने आलम सामने या आलम अरवा हमें मोहब्बत करने वाला खल्क किया है। और सबसे बड़ी दलील यह है कि आज अली का नाम आता है ना तो दिल खुश हो जाता है, चेहरे खिल है। ये बता रहा है इस मिसाल मुनफसिल में हमें किसी एक आलम का दौरा करना है कि जहां पर हमने देखा है, जब हमने अली की मैं मिसाल आपको ये बताऊं कि जिस क्या ख्वाब आया, मैं अपने बेटे को ज़िबह कर रहा हूँ, ये जो बेटे को ज़िबह करना है मौजूद है, लेकिन कहीं पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में खुदावंद ने ये को ज़िबह करके तुम्हारी गर्दन काट दिया तक है, वहीं तक आया वो जन्नत उस फन। बस पता ये चला कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हम कर रहे हैं वैसे ही जैसे पर
बच्चे को महफूज कर दिया। एक चौथे किस्म का ख्वाब है, एक चौथे किस्म का ख्वाब है, इसकी ताबीर होती है। चौथे किस्म का ख्वाब क्या है कि जहां पर इंसान का नफ्स मिसाल मुनफसिल में ऐसे हकायक का मुशाहिदा करता है, लेकिन नफ्स क्या करता है, अपने को तब्दील कर देता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी एक इंसान ने ख्वाब देखा, रात को ख्वाब देखा कोई उसको दूध पिला रहा है और बहुत ज्यादा साफ शफाफ दूध है और बहुत कसरत के साथ उसको पी रहा है। अब जब इसकी ताबीर किसी से पूछी कि अच्छा इसकी ताबीर क्या होगी, तो कहते हैं ताबीर ये है कि ये नूर है, खुदावंद आलम इसको इल्म अता कर रहा है, साफ पानी में तैराकी कर रहा है। तो जब वो उठा से सवाल किया ये ख्वाब देखा है, तो कहा खुदावंद आलम तुम्हें तौबा की तौफीक करने वाला है। अब यहां पर क्या हुआ, उसने कुल्ले उस हकीकत को देखा है बल्कि उसके नफ्स ने तसर्रुफ किया और तसर्रुफ नतीजे में जो उसके नजदीक दुरुस्त था उसने से उसको यूसुफ सलाम को आना वो इस हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये नहीं वो सितारे कौन से हैं, सूरज कौन है, चांद कौन है, या भाई नहीं दिखा हजरत से था को और अपने बस हमारे पास ऐसा ख्वाब है कि जो काबिल ताबीर है, बस सारे के सारे ख्वाब हमारे पास काबिल ताबीर नहीं। अच्छा इससे पहले कि हम लोग कुरानी ख्वाब, मैंने आठ ख्वाब जमा किए हैं कि जो आप लोगों की खिदमत में करूंगा कि आठ ख्वाब और उनकी ताबीरें किस तरह से, लेकिन इससे पहले उसको किया जाए बस पांच मिनट लूंगा। ख्वाब देखने का क्या आया वजीफा है, मैं ख्वाब देखना चाहता हूं, सच्चे ख्वाब मुराद है। कहा कि मैं अपने जमाने के इमाम को ख्वाब में उनकी जियारत करना चाहता हूं, मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ख्वाब में जियारत देखना चाहता हूँ, परवरदिगारा मुझे तो तौफीक तौबा दे, उसका कोई तरीका है। जब ख्वाब देखता हूँ तो मैं दुरुस्त ख्वाब देखना कर दूँ, क्रेडिट परवरदिगार है उन्होंने, बस इसका मतलब ये ठहरा बस तरीका और सलीका है कि जहाँ पर इंसान अपने ख्वाब को पाकी करता है। अहले बैत बंदे आलम ने अता की है कि जिनके पास सवाल नहीं जवाब ना, ये काम अदवार तलबगी डेवलप भी शायद के हो नहीं सकता कि वो नहीं, जो आपके जहन में सवाल आया जवाब 1250-1300 साल पहले दिया जा चुका है। जिस चीज के मुतालिक आपके पास सवाल आया उसका बस क्या करें, कहते हैं कि सच्चा ख्वाब अगर किसी ने देखना हो, दुरुस्त ख्वाब अगर किसी ने देखना हो, दुरुस्त ख्वाब देखने का तरीका यह है कि इंसान बावजू सोए। आयतुल्लाह जवादी आम भी कहते हैं कि देखें कि हम लोग जिंदगी के अंदर अगर 60 साल जिंदा रहे हैं, 70 साल 80 साल जिंदा रहे हैं, तो उन 80 सालों में से एक सिवम हिस्सा तो हमने सो के गुजारा है। यानी अगर इंसान एवरेज रोजाना के 8 घंटे सोए तो तीसरा हिस्सा वो दिन का सो के गुजारता है। ये जो तीसरा हिस्सा उसने सो के गुजारा है, अगर कुल जिंदगी अगर उसकी 60 साल बनाए तो 20 साल तो वो सोया रहा। कहते हैं हमें अली ने बताया कि वो 20 साल भी इबादत में कैसे गुजारे। देखो अगर तुम्हें वो भी इबादत में वो गुजारने हैं जबकि तुम देखो के करके सो दाहिनी सो निजात में ना सो, जब सोने लगो तो रात को खुदाबंद इबादत में सो, यहां इसके ऊपर मुताला करें कि एक नबी होना
तो नबी बात तुम बेजाब नाजिल हो भिजवाया के देखो इस नबी ने ऐलान कर दिया कौन ठीक नहीं हो रहे तो भी खुदाबंद आलम ने कह दिया कि इस टाइम पे रात के इस पहर में तुम लोगों पर अजाब नाजिल होगा। अच्छा जब वहां पर अजाब नाजिल नहीं हो रहा खुद नबी परेशान हो गए, घंटा आगे गुजर गया, दो आगे गुजर गए, तीन घंटे आगे गुजर गए, नबी भी परेशान, खुदाबंद आलम ने तो कहा था कि अजाब नाजिल होगा, परवरदिगार ने तो कहा, यानी कितना सलीका है इस्लाम इंसान को कितना सलीका सिखाता कहे कि देखो मैं रब्बुल इज्जत, मैं रब्बुल अकवान, मेरी रबूबियत को गवारा नहीं है कि वो मेरी आसमान की तरफ मेरी तरफ रुख कर। और रिवायात में मिलता है, मासूम से रिवायत है, वो कहते हैं जैसे ही उसने जैसे ही मुंह हुआ है खुदावंद आलम ने अज़ाब को नाज़िल कर दिया। कितना सलीका है इंसान के, मैं चाहता हूं, मैं सच्चा देखना दिगारा मुझे बताएं मैं कैसे देख सकता हूं, कहते हैं बावजू सो पाकीज़ी भारत के सो खुदा आलम का जिक्र करते हुए ओ देख रहा था सात दफा के उनको तुम आंखें ख्वाब सब सच्चा ख्वाब देखना चाहते हो। अच्छा मासूमी कहते हैं अगर तुम सच्चा ख्वाब देखना चाहते हो कि तो रोजमर्रा कामों में अगर मैं सच्चे हो जाओगे खुदाबंद आलम तुम्हारे, अगर तुम रोजमर्रा में सच्चे नहीं होगे नहीं करे तुमको सच्चा कर देंगे। अंदर किसी ने पूछा कि मौला ये कि अगर लोगों को मस्जिद के अंदर आता अव्वल सफ के अंदर आता बहुत करता मस्जिद की सिफारिश करता बहुत ज्यादा वहां पर है एतकाब और पता नहीं क्या कुछ करने लगा है, फरमाते हैं कि देखो किसी की भी ज्यादा नमाज पढ़ने और ज्यादा रोजा रखने के धोखे में मत आना। इमाम अलैहि सलाम से रिवायत है उसूल काफी की, क्या रिवायत है, ला तगतरू बितहिम, देखो कहीं धोखा ना खा लेना उनकी नमाजों सयाम है उनके रोजों से, शायद उसको रोजा रखने की और नमाज पढ़ने की आदत हो गई है। कहा मौला के किसी एक इंसान को यानी अगर वो नमाज और रोजा छोड़ देगा तो परेशान हो जाएगा, आदत हो गई है उसको, किस तरह से परखे, अदाना देखो वो कितनादार है कितना सच, जितना सच्चा उतना अच्छा हो जितना मानदार होगा। खुदा मैं सच्चा ख्वाब देखना चाहता हूँ, मासूम कहते हैं देखो जिंदगी ने दिन भर की जो सारा तुम्हारे अमाल है उसको सच्चा कर लो, मैं तुम्हारे ख्वाबों को सच्चा कर दूंगा। बात यह है कि मैं इस तबके से खुद को निकाल नहीं पा रहा उन तमाम अवालिम से कि जो बहुत बढ़ के हैं उसको मुतसिल नहीं कर पा रहा, अपने आप को इस बदन के अंदर मुकैद कर बैठा हूँ, अपने आप को इस बदन के अंदर कैद कर बैठा हूँ, जिसकी वजह से मुझे हर कोई इसी बदन के मुताबिक दिखाई देता है, मैं किसी देख कर पहचानता हूँ कि ये कैसा होगा, क्या क्या पहचानता हूँ, लेकिन इंसान मखबूल इंसान जो है अपनी जबान है जब जबान है तो इंसान के लिए जरूरी है कि वो अपनी जान मुतवज्जे हो, जैसे ही अपनी जान मुतवज्जे होगा परवरदिगार कर देगा। मैं आइए कुरान में मौजूद हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम का ख्वाब, आठ ख्वाब है कुरान के अंदर, हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम सूरह साफात की 102 परवरदिगार फरमाता है फलम्मा बलगा माहु अस्सई قال जुमले पर इन्नी अरा फिल मनाम इन्नी अज़बहु, ख्वाब में देखा है कि आपको ज़िबह कर रहा हूं, आधा तरह ऐ मेरे लाल ऐ मेरे बेटे बता कि आप इस बारे में क्या कहते हैं,
है कि जिसकी एड़ियां रगड़ने से खुदावंद आलम जमजम को करे। ये वो इस्माइल हैं कि जिनकी नस्ल खुदावंद आलम रसूल खुदा को रख, जो अपने अगर एक पत्थर पे खड़े हो के दीवारों को बनाना शुरू करें तो पत्थर बुलंद हो जाए। ये वो इस्माइल हैं, ये वो इस्माइल हैं कि माँ हाजरा हो जिनके वालिद इब्राहिम इस्माइल से पूछें क्या मेरे बेटे बताओ मैंने देखा है, तुम बताओ क्या देखते हो, आगे बच्ची है मेरे बाबा जान, जो खुदावंद आलम को दिया है ना वो कर गुजरी। तक भी अगर आयत खत्म हो जाती ना तब तक भी इस्माइल अलैहिस्सलाम वो ना होता, सिर्फ इताअत ना, लेकिन इताअत इसलिए की है सताजिदुनी इंशा अल्लाह, मुझे साबिरों में से पाएंगे। खुदावंद आलम ने कहां तक को बयान इब्राहिम अलैहिस्सलाम है खलीलुल्लाह है, आलम कितनी बड़ी आजमाइश में डालने लगे और किस तरह से आलम में मिसाल से एक आप जैसे मुश्किल नहीं जाए वहां पर ले जा रहे हैं खुदावंद आलम किस तरीके मुश्किल का घोसला नीचे आ गया। खुदावंद आलम ने अगर इस ख्वाब को बयान यकीनन इसकी कोई ना कोई हिकमत है, इसकी हिकमत अगर एक इंसान को कि जो सच्चा बल्कि इसका इस तरह से ताबीर करूं कि जो आयतुल्ला जवादी कहते हैं, मैंने पहले भी जिक्र किया जुमला बोला, कहते हैं में ख्वाब एक यूनिवर्सिटी की मानंद है, कहता है कि इस दुनिया में खुदावंद आलम की यूनिवर्सिटी के अंदर तालीम हासिल करे और जहां पर खुदावंद आलम उस हबीब के जरिए से तालीम अता करें तो इतनी जगह आलम ख्वाब है। हमने अपने उस्ताद से कहा कि उस्ताद हम लोग बहुत देर होगी हौज़ा इल्मिया के अंदर हैं लेकिन उस तरह से अपनी तरबियत नहीं कर पाए, उस तरह से अपने आप को बना नहीं पाए, तरबियत नफ्स नहीं कर पाए, इन लोगों का सिलेबस अच्छा नहीं है, मुआशरा अच्छा नहीं है, फसाद है मुआशरे में। बहुत सारी माएँ इस तरह से कहती हैं ना मुआशरे में फसाद है, किस तरह से तरबियत करें औलाद की, किस तरह से बाकी। कम अज़ कम खुदावंद आलम ने हमारे लिए इस आलम को तो खोल के रखा है, इस आलम को खोल के रखा कि जहां पर हम अहले बैत अलैहिस्सलाम से डायरेक्टली इत्तिसाल पैदा करके उनसे तालीम को हासिल करके कर सकें। आयतुल्ला सब्जवारी का तो वाकया आप लोगों को सुनाया ना कि जो हौजे गए और हौजे जाके वो हर साल मिसाल के तौर पे पास नहीं होते थे और फिर किस तरह से अमीरुल मोमिनीन के ख्वाब में आए, किस तरह से कहा पढ़ो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जैसे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ी कहते हैं कि इस तरह से जिस तरह से आफाक मेरे लिए खुल गए। बस कोई तो एक ऐसी जगह है कि जहां पर अभी इतना सीखने के बाद शहीद आगा मुर्तजा अंसारी के दर्श में जाके बैठते हैं, वैसे खारिज में जाके बैठते हैं, खारिज दे उस्ताद सवाल उस्ताद इश्काल पढ़ने ना आने ना दें, शेख मुर्तजा अंसारी पढ़ा के बाहर निकलें तो कहें क्या सब्जवारी मेरे साथ आ जाओ, सब्जवारी साथ साथ चलें तो कहा पहले ये मुझे हौजे से साथ तो कहा मैं तुम्हें बता दूं जिस जात ने तुम्हें बिस्मिल्लाह मुझे पढ़ाई, बस एक ऐसी जगह तो है, बस इसका मतलब है कोई एक ऐसी जगह तो है कि जहां पर आके कहां पर जब जाकर उसे मुत्तसिल हूं काम वाला वहां पर है तो आकर मेरे से मुत्तसिल होके तो देखो, तो आकर मेरे से इत्तिसाल पैदा करके तो देखो मैं तुम्हें कैसे कैसे तालीम देता हूँ, कैसे पढ़ाता हूँ। इस तरह की एक मिसाल नहीं, हमारे पास बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। एक दफा तुम आकर उससे मुत्तसिल होके तो देखो, देखो मैं तुम्हारे की किस तरह से मुश्किलात को आसान करता हूँ। शहीद मुतहरी का वाक्य, शहीद मुतहरी फरमाते हैं कहते हैं कि मैं एक दफा ख्वाब में देखता हूँ, ख्वाब में देखा एक शख्स है कि जो तेहरान के बहुत बड़े सिनेमा के जो तेहरान में मौजूद है, तेहरान सिनेमा के बाहर गिरा हुआ है और बेचारा जख्मी है, बहुत बड़ा शहीद
मुतहरी वहां से शहीद मुतहरी को देख के रोकता है और कहता है कि शहीद मुतहरी मैं बहुत ज्यादा बदहाल हूँ, मैं इंतकाल कर चुका हूँ, मेरे बाद ऐसे गुनाह हैं कि इनको मेरी आगे नस्ल ने उसी को आगे बढ़ाया हुआ है, तो आप उनसे कहिए कि इन तमाम चीजों को तर्क कर दें ताकि खुद को आसान कर दें। शहीद मुतहरी शख्स से पूछा आलम नंबर दे, अपनी जोजा का नाम बताते, अपने बच्चों के नाम बताते। शहीद मुतहरी कहते हैं कि जैसे ही मैं ख्वाब से बेदार हुआ तो फौरन वो जो मेरे जहन में फोन नंबर था मैंने फोन नंबर लिख लिया, और फोन नंबर लिखने के जब लिखा तो एक शख्स कहा हाँ हाँ बेटे का ये नाम है, कहा हाँ तो मैंने देखा है वो मुश्किल है, ये तीन चीज था कि किसी तरह से खत्म कर दो ताकि ये अजाब मेरे से उतर जाए। उसकी जोजा वो कहते शख्स ने मुझे कहते हैं कि उन्होंने तर्क की उसकी क्या हो कितना बड़ा एक कि जिस सकते कितना बड़ा एक आलम कुछ कितने, लेकिन चूंकि अपनी इस बदन की इतनी शिद्दत सोना शुरू करूं पाकीजा होकर सोना शुरू करूं, तहारत के साथ सोना करूं, खुदावंद आलम के जिक्र के साथ सोना शुरू करूं, किबला रुख होकर सोना शुरू करूं, बाज रिवायात में मैं देख रहा था कि टांगे किबला रुख करें कि ताकि जब आप खड़े किबला तरफ हो, अगर मैं ख्वाब कैसे काम भी तो अच्छे करो, दिन भर काम सच बोलूं, खुदावंद आलम ख्वाब सच्चा कर दे और खुदावंद आलम ख्वाब को इतना कर दे कि बच्चे के आए खीर कर दिया और परवरदिगार 40 साल के बाद उसकी ताबीर कर मुसखर। इसका मतलब यह है अजीजो, मैंने जब खुद साजी करनी है, जब खुद साजी करनी है, शन करनी है, चीज करूं ख्वाब में मुझे करें तमाम चीजों आशा है कि इंशाल्लाह ताला बार खुदावंद आलम से कि परवरदिगार हम लोग इस काबिल बनाए अपने आप को आमादा बहुत बड़े और अजीम आलम के लिए के नतीजे में हम लोग सुरखुर हो सके। एक दफा बुलंद आवाज से दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद हमारे पास चंद सवाल और सवाल बहुत अच्छे हैं, बहरहाल वाकई बात चीज़ें ऐसी मुश्किल हो जाती हैं कि इंसान कौन से सवालों को ले और कौन से सवालों को ना ले। ये चंद सवाल ऐसे थे कि जो एक जैसे थे, चार चार पांच पांच एक ही जैसे किए हुए थे, तो एक सवाल अल्लाह ताला मुफीद भी होगा हम सबके लिए। कहते हैं कि हजरत अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह ताला ने मालूम कि हजरत यूसुफ अलैहि सलाम जिंदा है नहीं खाया है। इसी तरह से बहुत सारे और सवाल भी किए जाते हैं कि जब उनको मालूम था कि भाई वो जिंदा हैं तो फिर इतना ज्यादा गिरिया क्यों कर रहे हैं। अब गौर करिए कि हमारे पास इस दुनिया के बास तकाजे हैं, इस दुनिया के तकाजे हैं, दुनिया का तकाजा ये है कि दर्द हो। मिसाल दूं आपको, मिसाल करबला की लेते हैं। करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने दर्जात का नहीं पता था, मौला के दर्जात का नहीं पता था, मौला अब्बास के दर्जात का नहीं पता था, नहीं पता था कैसे शिफात करेंगे। लेकिन कुछ इस दुनिया के तकाजे हैं, जहां पर भाई का रिश्ता है, जहां पर बेटे का रिश्ता है,
यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब दुनिया में हैं तो इस दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक हैं। वो अलग बात की वो रूह रूह है मलाकूती, वो नफ्स नफ्स है मलाकूती, लेकिन इसके बावजूद इस दुनिया के तकाज़े मौजूद हैं। यानी अगर अमीरुल मोमिनीन के हाथ पे कहीं ज़ख़म आए और उनको दर्द ही ना होता हो तो हम तो खुदा से ये कहेंगे ना, बनाया ऐसा था हो रहा, तो मुझे तो दर्द हो रहा है भाई। दुनिया के तकाजे हैं, दुनिया के तकाजों के मुताबिक इस दुनिया में ये जितने भी औल सही परफॉर्म करते हैं वैसे ही चलते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मालूम था कि उनके बेटे को कत्ल नहीं किया, के बाद से रिवायात में मिलता है कि उन्होंने तमाम भेड़ियों को, कनान के भेड़ियों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद पूछा, और वो पूछा भी किसके लिए, ताकि बिन्यामीन शहादत दे। अब गौर करिए, थोड़ा सा मशीयत परवरदिगार को देखिए ना, कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को साथ लिया, साथ लेने के बाद कनान के तमाम भेड़ियों को इकट्ठा किया और भेड़ियों से पूछा कि भी बताओ कि क्या आया तुम लोगों में से मेरे बेटे को किसी ने खाया? कहा नहीं। मलिकुल मौत को बुलाया हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को कि आपने मेरे बेटे की जान को कब्ज़ किया? कहा नहीं। जब नहीं किया, वापस आके अपने बेटों से कहा कि देखो, मैंने तमाम भेड़ियों से पूछ लिया, किसी ने यूसुफ को नहीं खाया। मैंने मलिकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, देखो उसने मुझे कहा कि मैंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज़ नहीं किया, मान जाओ। आगे से बेटे क्या कहते थे? बेटे कहते थे ये तो गुमराही में पड़ गए, बेटे कहते थे ये सठिया, कलिमात है कुरान के, बेटे कहते थे कि ये भी से बाद में किसी जमाने में कहा कि दुरुस्त नहीं कह रहे। बहरहाल, तो कहने का मतलब ये है कि अब वहां पर उन्होंने जिक्र किया, लेकिन अगर माना तो यकीनन खुदावंद आलम से मोहलत है कि अगर वो तौबा को कबूल कर ले तो सिलसिला पूछ दिया जाए। इसी वजह से जब पता चल गया सारा, तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बेटों ने हजरत याकूब के नजदीक इस्तग़फ़ार कर खुदावंद ये नहीं चाहते फौरन कर दे, अगर परवरदिगार सबको यहाँ करना है तो एक दूसरे को देखने के हैं हम लोग, परवरदिगार सत्तारुल उयूब है। पर के मालूम है इस दुनियावी तकाजों की वजह से इन तमाम को नहीं किया जाए, खुदा को क्या करेंगे? रसूल खुदा जब या करेंगे जो कि क्या होगा बाद में, तो कहने का मतलब है हज़रत रसूल खुदा को सब पता था, लेकिन उसके बावजूद खुदा बोला था जब तक सांस चल रही है कि किसी ने अगर आज का जो बेहतरीन सवाल एक ही जैसे थे जिसका बयान फरमाया, इनके इनामात की हकदार का सही इनके शोहर का नाम है सद अब्बास, सैयदा कश्यप जहरा, इनके सैयदा अजरा बुखारी, जोजा सैयद। मेरा ख्याल में रास्तों की बंदिश की वजह से कुछ अफराद नहीं पहुंच सके, उनके लिए भी एक छोटा ध्यान लेने नहीं आ सके रास्ते बंद होने की वजह से। वो अपने नोट्स जो हैं वो लाजमी बनाए, जिस तरह की हमने बताया कि ऑनलाइन जो है ना वो इनको अमल करें, इनके उनकी जो अधूरा होगा लेक्चर जो तीसरे लेक्चर को वो मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत हो गया। एक और सवाल है, अच्छा सवाल, कहते हैं इंसान की आजमाइश उसकी वसत के मुताबिक होती है, करने का मैयार इंसान के इख्तियार में है, या इंसान के आजमाइश यानी इंसान के लिए जो आजमाइश